दोस्तों ये है मेरे पास Xiaomi का Pad 6 एंड इसे यूज किए मुझे 3 मंथ से ऊपर हो चुका है। जहाँ 3 मंथ्स के यूजेस के बाद मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है, लाइक कुछ चीज़ें अच्छी भी जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे काफ़ी एडोरेबल लगा, एंड एक मोमेंट तो ऐसा भी था जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैं इस टैबलेट को तोड़ दूँ, जहाँ ये मोमेंट आप भी मुझसे रिलेट कर पाओगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं Xiaomi Pad 6 के बारे में अपने 3 मंथ्स के यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूंगा और इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपसे शेयर करूंगा, जहाँ आप इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग आप ये जज कर पाओगे कि आपको ये टैबलेट बाय करना चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। सो दोस्तों मैंने Xiaomi Pad 6 के बेस वेरिएंट को बाय किया है जो कि मुझे उस समय 24999 के प्राइस पॉइंट पे मिला। हालांकि इस समय इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 26999 हो चुकी है, लेकिन आप HDFC के कार्ड ऑफर को लगाकर आप भी इसे 24999 पे ग्रैब कर पाओगे। जहां मैंने इस टैबलेट को छोड़कर किसी भी तरह के एक्सेसरीज लाइक कीबोर्ड और स्टाइलस को बाय नहीं किया है। बात करें इसके पहले प्रोज यानी एडवांटेजेस के बारे में, जो कि है इसका डिस्प्ले, जहां डिस्प्ले के मामले में Xiaomi ने कोई भी कंजूसी नहीं की है। जहां Pad 6 के अंदर आपको 11 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला 2.8K डिस्प्ले है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ये डिस्प्ले स्पेक्स कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं करती है। जहां मोस्ट ऑफ द टाइम लोग टैबलेट के डिस्प्ले को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, और ये प्रायोरिटी Xiaomi Pad 6 पूरी तरह से फुलफिल करता है, जहां आप इस डिस्प्ले को YouTube, Netflix पर कंटेंट वॉचिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी प्रेफर कर सकते हो। जहां इन सभी चीजों के रिगार्डिंग इस टैबलेट का डिस्प्ले आपको एक एडोरेबल एक्सपीरियंस देगा, और क्योंकि Xiaomi Pad 6 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो आपको वेबसाइट स्क्रोलिंग, मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग के मामले में भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि ये 7 स्टेज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे ये खुद को आपके यूजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है ताकि इसके बैटरी को और भी सेव किया जा सके। दोस्तों जब भी हम एक अच्छे डिस्प्ले और कंटेंट कंज्यूमिंग की बात करते हैं, तो उनमें से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जो कि है इनका स्पीकर, एंड ये एक और चीज मुझे Xiaomi Pad 6 के अंदर अच्छी लगती है। जहां इस टैबलेट के अंदर Xiaomi ने 4 स्पीकर को प्रोवाइड किया है, जहां इन स्पीकर्स में आपको लाउडनेस के साथ साथ क्लियर और बेसी साउंड मिलेगा, जो कि Xiaomi Pad 6 का ये स्पीकर्स 30 से 40,000 के बीच आने वाले काफी सारे लैपटॉप के साउंड को भी लाउडनेस के मामले में आसानी से बीट कर देगा। बट इन्हीं मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग मुझे एक चीज की काफी ज्यादा कमी महसूस होती है, जो कि इसके अंदर ईयरफोन जैक स्लॉट का ना होना, और ये सेम चीज हमें Xiaomi Pad 5 के अंदर भी प्रोवाइड नहीं की गई थी। जहां कई बार TWS चार्ज ना होने पर या फिर ट्रैवलिंग में TWS कैरी ना करते समय ये कमी आप में से काफी सारे लोग डेफिनेटली फील करते होंगे। बट चलो ये फिर भी एक समय के लिए ठीक भी है, बट मुझे इसके अंदर दूसरा कौन ये लगता है कि इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट का ना होना। दोस्तों मैंने Xiaomi Pad 6 के बेस वेरिएंट को बाय किया है जो कि 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, बट 20GB के अराउंड सिस्टम एंड सिस्टम फाइल्स, 10GB के अराउंड एप्स एंड डेटा ही कैप्चर कर लेता है, जहां एट द एंड आपको 80 से लेके 19GB तक ही फ्री देखने को मिलेगा, जो कि मेरे YouTube के काम के अकॉर्डिंग काफी कम स्पेस बचता है, और इसी वजह से मुझे बार बार पेन ड्राइव या फिर SSD को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके अंदर SD कार्ड सपोर्ट होता तो शायद मुझे स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आती और ना ही मुझे बार बार पेन ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ता, और मे बी ये आप लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ना हो। बट जो लोग टैबलेट में काफी ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं या फिर टैबलेट को एज अ एडिटिंग डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये एक ग्लिच बन सकती है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस टैबलेट के एक और प्रोस के बारे में, जो कि इसके अंदर Type-C 3.2 को प्रोवाइड करना। हालांकि ये फीचर काफी सारे लोग इस्तेमाल पे नहीं लेंगे, बट Type-C 3.2 को प्रोवाइड करने से आप टैबलेट को फास्ट चार्जिंग करने के साथ साथ केबल के थ्रू टैबलेट को किसी एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ कनेक्ट भी कर पाओगे, जहां आप इसके थ्रू डिस्प्ले मिररिंग और किसी भी तरह के डेटा को केबल के थ्रू फास्टली सेंड या कॉपी कर पाओगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। जहां किसी भी टैबलेट में उसके डिस्प्ले के बाद प्रोसेसर दूसरा बड़ा प्रायोरिटी होता है, वहीं Xiaomi का Pad 6 Qualcomm के Snapdragon 870 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक पुराना बट स्टेबल प्रोसेसर है, जो कि Snapdragon 870 अराउंड 8 लाख के इंट्रोड्यूस स्कोर के साथ आता है। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये Xiaomi Pad 5 के कंपैरिजन में अराउंड 28% ज्यादा फास्टर और कैपेबल है, जहां इस चिपसेट के थ्रू आप हायर सेटिंग पर गेमिंग, फोटोज एंड वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीटास्किंग एंड और भी हैवी काम आसानी से बिना किसी लैग और डिले के कर पाओगे, जो कि Xiaomi Pad 6 की प्राइसिंग अपने प्रोसेसर को भी जस्टिफाइंग करता है। जहां Pad 6 का ये प्रोसेसर मेरे सारे ही काम को आसानी से हैंडल कर लेता है, फिर वो चाहे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या फिर थोड़ा बहुत गेमिंग ही क्यों ना हो। और जहां तक मुझे पता है कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड इस लेवल के प्रोसेसर को प्रोवाइड नहीं करता है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस टैबलेट के रिगार्डिंग एक ऐसे कॉन्स के बारे में, जो कि मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि
ओके सो जब भी मैं इस टैबलेट को हॉरिजॉन्टली यूज करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट सारे ही ऐप को परफेक्टली रन करता है, फिर वो चाहे क्रोम, फाइल सेटिंग या फिर काइन मास्टर ही क्यों ना हो। बट जब भी यूट्यूब स्टूडियो, पिक्सआर्ट और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स की बात आती है तो मुझे इस टैबलेट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली स्विच करना पड़ता है। और कुछ काम तो ऐसा है जहां मुझे क्रोम और इंस्टाग्राम की जरूरत एक साथ पड़ती है, जहां मल्टीटास्किंग होने के बावजूद भी मैं इन दोनों ही ऐप्स को एक साथ यूज में नहीं ले सकता और इसी वजह से मुझे बारी बारी से सेपरेटली ऐप्स को यूज करना पड़ता है। जहां प्ले स्टोर पर अभी भी कई ऐसे ऐप्स है जो कि हॉरिजॉन्टल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है और इसी वजह से मुझे टैबलेट का ये पार्ट काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। हालांकि इस टॉपिक पे लोगों के अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं बट मेरे अकॉर्डिंग टैबलेट का ये पार्ट काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। बात करें इस टैबलेट के दूसरे कॉन्स के बारे में जो कि है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट, जहां Xiaomi ने इस टैबलेट के अंदर 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किया है बट इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट या न्यूज नहीं दिया है। हालांकि नॉर्मली हमें मिड रेंज टैबलेट के अंदर 2 से 3 साल तक का OS अपडेट मिल जाता है बट अब Xiaomi इसके अंदर अपडेट्स को प्रोवाइड करता है या नहीं ये हमें आने वाले मंथ्स में ही पता चलेगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं Xiaomi Pad 6 के एक और प्रोज यानी एडवांटेजेस के बारे में जो कि है इसका कैमरा, जहां Xiaomi Pad 5 के अंदर उसके फ्रंट कैमरा को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन में प्लेस किया गया था और इसी वजह से वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन क्लासेस के समय कैमरा फ्रेमिंग थोड़ा ऑड लगता था बट इस बार Xiaomi Pad 6 के अंदर इसके फ्रंट कैमरा को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस किया गया है और इसी वजह से वीडियो कॉलिंग के दौरान आपको परफेक्ट फ्रेम मिलेगा। दोस्तों बात करें Xiaomi Pad 6 के एक और प्रोस के बारे में जो कि है इसका बैटरी, जहां आपको इसके अंदर 8840mAh की काफी बड़ी बैटरी मिलती है जिसे आप 33W के चार्जिंग स्पीड के थ्रू चार्ज कर पाओगे, जहां नॉर्मल यूजर्स पे आप इस टैबलेट को 2 से 3 दिन तक बिना चार्ज के इस्तेमाल पे ले सकते हो। वहीं अगर आप गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी काम करते हो तब भी आप इस टैबलेट को 1 दिन तक बिना चार्ज के इस्तेमाल पे ले पाओगे। जहां बैटरी और चार्जिंग के मामले में ये टैबलेट एडोरेबल स्पेक्स के साथ आता है। बात करें इसके ऑफिशियल कीबोर्ड और स्टाइलस के बारे में तो Xiaomi Pad 6 का कीबोर्ड 5000 एंड इसका सेकंड जनरेशन पेन 6000 के प्राइस पॉइंट पे लिस्ट किया गया है। हालांकि मुझे इन दोनों टैबलेट एक्सेसरीज की पर्सनली नीड नहीं लगी इसलिए मैंने इसे बाय नहीं किया बट मैं आपको इनके ऑफिशियल एक्सेसरीज के जगह किसी थर्ड पार्टी स्टाइलस और कीबोर्ड को बाय करना सजेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इनका ऑफिशियल एक्सेसरीज काफी कॉस्टली है और अगर पैड 6 के अंदर 1-2 कॉन्स को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है और अगर आपके पास बजट है तो आप डेफिनेटली Xiaomi Pad 6 को कंसीडर कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं बारे नेक्स्ट वीडियो पे।